ओके, अब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे मॉडेम, टेस्ट करते हैं। टेस्ट मॉडेम एडिट, ओके, क्वेरी मॉडेम, लुकिंग फॉर मॉडेम, मॉडेम रेडी, मॉडेम रिसीविंग ATI कमांड्स। और ये जनाब आपका मॉडेम इंस्टॉल हो गया। अब अगर आप चाहें कि इस यहाँ पे एक अकाउंट बना लेते हैं हम इंटरनेट का, न्यू, यहाँ पे विज़र्ड आपने नहीं यूज़ करना क्योंकि ये सिर्फ इंटरनेशनल ISPs के लिए है, इसमें हमारी ISP के नाम नहीं होते। कनेक्शन नेम लेट से मैं कहता हूँ पार्कनेट, यहाँ पे मैं उसका एक फ़ोन नंबर ऐड करता हूँ 1318-2345, और दैट इज़ ऑल। और ओके, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ कि लॉगिन नेम और पासवर्ड। ऑलराइट, शो लॉग विंडो भी अक्सर ज़रूरत अच्छी रहती है कि आप देख सकें कि इस वक्त क्या हो रहा है। ओके, कनेक्ट करते हैं जी। एरर, कैंसिल, और दोबारा अपना सेटअप देख लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मॉडेम, मॉडेम की स्पीड ठीक है, डेव मॉडेम, मॉडेम ने ATI कमांड से जवाब दिया था अभी, और अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम, एडिट 1318-2345, नंबर भी ठीक है। ओके ओके, कनेक्ट, मॉडेम रेडी, इनिशियलाइजिंग मॉडेम, और ये मॉडेम ने डायल किया। आप सुन सकते हैं इस वक्त आवाज़ मॉडेम की। ओके, लेट्स सी ये क्या कहता है। कनेक्ट 45 पॉइंट, ओ अकाउंट खत्म हो गया, क्या चक्कर है। दोबारा ट्राई, फिर ये सॉफ्ट मॉडेम्स का ये मसला रहता है। नो डाउट, नई से नई प्रॉब्लम आ रही। ओके, लॉग ऑन टू नेटवर्क हो गया जी, ये नीचे आ गया पाकनेट। अगर आप डिटेल्स देखें तो ये इसका ग्राफ भी साथ साथ चल रहा है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि आया कि ब्राउजिंग भी हो रही है या नहीं। मैंने एक चीज़ पिछले लेसन में वार्न किया था और वही प्रॉब्लम होपफुली हमें अब फेस होगी। यहाँ से हम सिंपली मैं डिग करके देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है, तो ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रिजॉल्व नहीं हो सका, उसकी उसकी क्या वजह है।
उसकी वजह यह है कि इंटरनेट हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, लेकिन हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे ठीक नहीं होगा। ये देखें, असूलन इस लाइन की जगह हमारे पास होना चाहिए था आईएसपी से दिया हुआ आईपी। इसके अलावा ईटीसी के अंदर resolve.conf में ऑल दो के ट्रिपल पी ने एंट्रीज डाल दी हैं, लेकिन चूंकि गेटवे ठीक नहीं है इसलिए वो काम अकॉम्प्लिश नहीं हो रहा। इसलिए रहनुमा असूल यही है कि जिस सिस्टम पे मॉडेम होगा और उसने डायल करना है आईएसपी को, और हर दफ़ा उसको कोई नया आईपी और नया गेटवे वगैरह मिलता है, उस पे कभी भी इस फाइल के अंदर गेटवे की लाइन नहीं होनी चाहिए इस फाइल के अंदर। और अगर उसने डीएचसीपी से ऑलरेडी गेटवे एक्वायर कर लिया है, जैसा कि इस वक्त हो चुका है, तो उस केस में इसका गेटवे को आपको डिलीट करना पड़ेगा। राउट डेल डिफॉल्ट एंटर किया, अब आपने राउट देखा डिफॉल्ट तो कोई राउट नहीं है। अब आपको वो राउट ऐड करना है जो आईएसपी से आपको मिला। अब आप कैसे पता चलाएंगे? आईएफ कॉन्फिग की कमांड से आप देखेंगे कि पी टू पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या पीपीपी जीरो पे आपको ये आईपी आपका आईपी है और ये आईपी रिमोट मशीन का आईपी है। यही आईपी आपको एज अ गेटवे यूज़ करना है। सो राउट ऐड डिफॉल्ट गेटवे दिस एंटर ओके। और अब आप देखें कि डिफॉल्ट गेटवे हमारा चेंज हो गया, और अब चेक करते हैं कि रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं। रिजॉल्व हो गया, इसका मतलब यह है कि इंटरनेट चल रहा है। हमारा जो डेक का क्लाइंट था, नेम रिजॉल्वर क्लाइंट, वो सक्सेसफुली इंटरनेट पे पहुंच गया। यहाँ से अगर मैं लिंक्स या फायरफॉक्स मौजूद नहीं, मोज़िला इंटरनेट के सेक्शन में मेरे पास अगर कोई क्लाइंट अवेलेबल है, कॉन्करर है, कॉन्करर से चले जाते हैं इंटरनेट पे ताकि कंफर्म हो जाए कि हम वाकई इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हैं। साथ ही स्टैटिस्टिक्स देखिए के ट्रिपल पी की, ये ग्राफ जो है ये हमें शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे मैं एड्रेस लिखता हूँ, लेट्स से मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ यहाँ से। ऑल राइट, बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद एनीवे www. दुनिया कभी खुश नहीं रह सकती। geocities.com/mk_azim ये मेरी वेबसाइट है, देखते हैं ये ब्राउज करती है। साथ ही मैं स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ आपको कि ये डाउनलोड, ये रेड जो है ये आउटगोइंग होता है और ब्लू इनकमिंग। पीछे आप देख रहे हैं कि वो कुकीज़ का पूछ रहा है, तो ओके अलाउ ऑल कुकीज़ एक्सेप्ट, और ये हमारे स्टैटिस्टिक्स, और साथ ही हमारा बैकग्राउंड में कॉन्करर की विंडो आप देख सकते हैं। ओके, ये इस बात का सबूत है कि हमारे पाकिस्तान में आईएसपीस और टेलीफोन लाइंस के थ्रू हम किस मजबूरी के आलम में इंटरनेट यूज़ करते हैं। ओके, काफ़ी क्रिटिसिज्म हो गया। वेटिंग फॉर रिप्लाई, geocities.com contacted, waiting for reply and still waiting, KDE का पहिया भी घूम रहा है। ओके, ये जनाब हमारा वेबसाइट आ गई, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स आपको मेरी किताब भी मिल जाएगी, और इसके अलावा और भी कुछ फ्री स्टाफ है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको नीचे ब्राउज करते हैं। ये मेरी बुक का लिंक है,
लेकिन इस वक्त हम यहाँ से आगे चलते हैं। ऑल राइट, ये था जनाब, इंटरनेट भी ब्राउज हो रहा है, किसी और साइट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो लेट्स से yahoo.com। तो बस साबित हुआ कि इंटरनेट आपका सक्सेसफुली चल रहा है, और यही आज के इस लेसन का ऑब्जेक्टिव था। तो इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ करूँ तो विन मॉडेम्स कन्फिगर करना वन टाइम प्रॉब्लम तो है, लेकिन चल जाते हैं मुश्किल से। एक आखिरी टिप लूसेंट के मॉडेम से रिलेटेड, कि अभी आप देखिए ls mod की कमांड आपको बताती है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स सिस्टम ने इस वक्त लोड किए हुए हैं। ये कमांड, इसको अगर मैं फ़िल्टर करूं grep से lt, तो ये आपको बता रही है कि दो मॉड्यूल्स lt serial और lt modem इस वक्त सिस्टम ने लोड किए हुए हैं फॉर अननोन रीजंस। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि फॉर अननोन रीजंस जब सिस्टम आपका ये रीबूट होगा तो ये दो मॉड्यूल्स लोडेड नहीं होंगे, जिसकी वजह से जब आप APPP चलाएंगे तो वो आपको एरर देगा कि अनएबल टू फाइंड मॉडेम, या अनएबल टू लोकेट मॉडेम, या अनएबल टू ओपन मॉडेम पोर्ट, कोई इस तरह के मसाइल। तो उनसे निपटने के लिए हम ये करते हैं कि etc के अंदर rc.local नामी फाइल के अंदर आप सिंपली ये दो लाइनें लिख दें, मॉड प्रोब lt मॉडेम और मॉड प्रोब lt सीरियल। ये फाइल जिस वक्त चलती है, ये फाइल जब तमाम सर्विसेज चल जाती हैं तो आखिर में ये एग्जीक्यूट होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डॉस या विंडोज़ के ज़माने में ऑटो एग्जेक डॉट बैच फाइल आखिर में एग्जीक्यूट होती थी। इसमें ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि पाथ जो आपने मोड प्रोब का दिया है वो कम्प्लीट होना चाहिए। तो वेयर इज़ मोड प्रोब से आप देख सकते हैं कि मोड प्रोब का एग्जैक्ट पाथ है sbin mod probe, तो ये आप उसमें स्पेसिफाई कर दें /sbin/modprobe/sbin/modprobe/lt-serial। ओके, तो अब आपने मेक श्योर कर लिया कि अगली दफ़ा जब सिस्टम बूट अप होगा तो ये दोनों मॉड्यूल्स लोडेड होंगे और आपका KPPP सक्सेसफुली चलेगा। ओके, इनफ ब्राउजिंग, और मैं आपको यहीं पे lt modem की साइट भी दिखा देता हूँ जहाँ से lt modem कह रहा हूँ, linmodems.org, जहाँ से हमने ये सारे स्कैन मॉडेम और ये सारी चीज़ें उठाई। और अभी मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ lt स्कैन मॉडेम का लेटेस्ट वर्जन भी, इस तरह जो है थोड़ा सा हमें फ़ायदा भी हो जाएगा। ओके, ये है जी linmodems.org, यहाँ से आपको तकरीबन तमाम मॉडेम्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन से चिपसेट सपोर्टेड है। बाय द वे इंटेल भी सपोर्टेड है, इंटेल 537 काफ़ी कॉमन है मार्केट में इस वक्त और वो भी चलता है। इसमें ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत हेल्पफुल साइट है, करेक्ट तरीके से आपने उसको ब्राउज़ करना होगा, सिर्फ मटेरियल इसमें बहुत ज़्यादा है, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वक्त मैं इस पेज के ऊपर सर्च करवाता हूँ स्कैन मॉडेम यूटिलिटी, ये इसको नहीं मिला तो स्कैन से सिर्फ लव स्कैन भी नहीं इसको मिला। ओके, कहीं और होगा, देख लेते हैं। राइट, सर मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा स्कैन मॉडेम की यूटिलिटी, इसी इधर से ही हम लिंक, ये रहा द स्कैन मॉडेम टूल। ओके,
कैन मॉडेम को आप क्लिक करेंगे, सेव एज scanmodem.gz, सेव। छोटी सी यूटिलिटी है, किलोबाइट्स में इसका साइज है। ओके नाइस। यहीं से आपको बैक जाते हैं, यहाँ से आपको लूसेंट के मॉडेम का जो लिंक था ये यहाँ से आप मज़ीद भी देख सकते हैं। यहाँ से हम LTE मॉडेम के इस पेज पे चले जाते हैं, क्योंकि अब हम एंटरप्राइज लिनक्स या फेडोरा कोर 4 यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि कर्नल 2.6 है। मैं ये सारी एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये थोड़ा सा ख्वारी वाला काम है, लेकिन इन द एंड ये हो जाएगा। ये है जी LTE मॉडेम 2.6.7b source.rpm। यहाँ पे हो सकता है कि आपके 2.6.11 में ड्रेक और रीडमी के थ्रू आपको मिल जाएगा। प्रॉब्ली यहाँ पे स्कैन मॉडेम भी पड़ा होगा कहीं, पेरेंट डायरेक्टरी में देखते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे इसको नहीं नज़र आ रहा। एनीवे ये थी जनाब सारी एक्सरसाइज, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ कोर्स आप सक्सेसफुल इंशाल्लाह रहेंगे। तो यहाँ पे हम मॉडेम इंस्टॉलेशन को कंक्लूड करते हैं। शुक्रिया।